एंग्री बर्ड को निकालने वाले भाई। राजो आ जाओ, काफी ज्यादा दिन बाद यार। ये देखिए अभी आज इनको बाहर निकाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों अभी मैं मिनी जू में आ चुका हूँ। सुबह सुबह तकरीबन 8:30 का टाइम हो रहा है और सूरज निकला हुआ है, धूप काफ़ी ज़्यादा है। और खुशी की बात कि अरमान आ चुका है वापस। ये देखे यार, अरमान ने आते कबूतर के बच्चे को पकड़ा जो कि हमाद उतने दिन का टेम कर रहे हैं जितने दिन अरमान घर नहीं था। अरमान तुम गए थे, ये वाला कबूतर का जो बच्चा है ना हमारा टेम कर रहा था और आते तुमने पकड़ लिया। फीड बनाई है। कौन सी फीड बना ली तुमने? दिखाओ आपको। दिखाओ। मैं हमाद यार उतने दिन तुम कोशिश कर रहे थे लेकिन अभी ये आके लगा हुआ है। मेरे ख्याल से ये वाला बच्चा टेम नहीं हो पाएगा क्योंकि पहले ये लगा था, अब वो टेम कर रहा है। अरमान इधर क्या पड़ा है यार? यार ये देखिए, ये कौन सी फीड है, ये क्या है अरमान? चाची आज ये बिस्कुट लेकर ना इसके अंदर पानी पार के इसे देते है। बड़ी बात है यार, ये पी लेगा? यार तो यार अभी कबूतर के बच्चे को अरमान ने नीचे छोड़ दिया, मेरी तरफ आ रहा है। तो दोस्तों यार अरमान वापस आ चुका है। मजे की बात ये कि यार आपने आपके भाई ने इनको चैलेंज देना था, तो वाला चैलेंज इनके साथ होने वाला है लेकिन वो आज के व्लॉग में चैलेंज नहीं होगा, वो कल के व्लॉग में चैलेंज होगा। और चैलेंज कौन सा होगा वो ना मैं आपको बताऊँगा और ना ही इन तीनों को बताऊँगा। यार बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा चैलेंज है, बस कल के व्लॉग में वो वाला चैलेंज होगा और मज़ा आएगा और इन लोगों को भी मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा और मुझे भी मज़ा आएगा। वो चैलेंज तो आपको मैं बता नहीं सकता, मुझे पता है और बहुत ही मज़ेदार चैलेंज है और इनको कल वो चैलेंज मिलेगा। अभी बता दूं यार, कल के व्लॉग में मैंने आपको चैलेंज देना है। आपको चैलेंज दिया था और आपने उसके अगले व्लॉग में आपने चैलेंज। मैं नहीं बताने वाला, आपने क्यों बताया था यार? मुझे नहीं पता, मैं नहीं बताने वाला भाई, मैं बताने वाले नहीं। आपको जब चैलेंज जिस दिन करना है उसी दिन चैलेंज बताया जाएगा, वरना मैं चैलेंज नहीं बताने वाला यार। कल चैलेंज होगा, हिट फुट कोई भी नहीं मिलेगी यार, कल बता दूंगी यार। थोड़ा सी बात है यार, एक दिन सब्र कर लो, कल आपको पता चल जाएगा। और हमारे जो एंग्री बर्ड है काफ़ी ज़्यादा दिन से इस केज के अंदर बंद है, तो आज इनको भी बाहर निकालना है। अफजान इस लॉक की चाबी लेकर आओ, जल्दी जल्दी भाग कर जाओ, जल्दी लेकर आओ, जल्दी जल्दी ओपन करो। और मान साइड पर हो जाओ, अभी तुमने नहीं खोलनी यार, अभी एंग्री बर्ड को निकालने वाले बाहर। आ जाओ, काफ़ी ज़्यादा दिन बाद यार। ये देखिए अभी आज इनको बाहर निकाला है। अगर इन्होंने हमारे साथ अच्छा सलूक किया, मतलब शाम टाइम आराम से बंद हो गए, तो यार इनको मैं रोज़ाना ही बाहर निकाला करूँगा। लेकिन अगर इन्होंने ऐसा ना किया तो फिर आपको पता ही इनके साथ क्या होगा, फिर इनको दोबारा से केज के अंदर बंद किया जाएगा। अरमान तुझे क्या लगता है, ये बंद हो जाएगी शाम को? हाँ यार, फटाफट से हो गई यार, ये जाली ना तोड़ दे। कौन सी जाली? एंग्री बर्ड और नहीं तोड़ सकते यार, ऊपर बैठते हैं लेकिन जाली वगैरह नहीं तोड़ते। और अभी इनको बाहर निकाल दिया हुआ है, घूमना फिरना शुरू हो चुके, काफ़ी ज़्यादा दिन बाद बाहर निकले हैं। तकरीबन मेरे ख्याल से एक मंथ तो हो चुका है यार इनको केज के अंदर बंद थे, पहले इस केज के फिर उस केज के फिर इधर आए और आज इनको मैंने बाहर निकाला। बाहर निकाल दिया लेकिन वो देखे यार, एंग्री बर्ड ऊपर चले गए हैं, एक वो नीचे हैं। मुझे डर लग रहा है कि यार कहीं ये छलांग ना लगा जाए। इधर हरे हरे तरबूज के छिलके पड़े हुए हैं, इनको ये खाने चाहिए थे। क्या हुआ है? नया पकड़ा ही लाए हैं, तुमने भगाए थे और हमने पूरे तो करने थे ना फिर। यार तो आपने लाया नहीं, मैंने आवारा पकड़ा है और तुमने भगाना शुरू कर दिया था, इसी वजह से मैंने इसके ना पंख काट दिए कि यार ये हमारे मिनी जू में, इसके पंख होते ना तो ये भी हमारे मिनी जू में नहीं था रहना। आपको पता है यार मैं कहीं चला जाऊँ तो पीछे से मार के यही काम होता है कि कबूतर को उड़ाना और कबूतर कम करना, इस वजह से मैंने इसके पंख काटे। जल्दी जल्दी केज के अंदर छोड़ो इसको। और अभी यार एंग्री बर्ड दीवार के ऊपर घूम रहे हैं, कितने ही प्यारे लग रहे हैं, इधर ही घूमते रहे, बस छलांग ना लगाएं यार। अगर इसमें छलांग लगाए ना तो बहुत ही बड़ा मसला होगा, बाहर खेतोंगे, अंदर इन्होंने हमारी दौड़े लगवानी हुई। देखे पंख तो इसके मैंने काटे हुए हैं लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये नहीं जाएंगे, रहेंगे। बाकी चीज़ों को सभी को हमने दाना वगैरह दे दिया। तो ये थी मेरी आज की उम्मीद का, तो आपको अच्छे लगे अच्छे लगे तो लग लाजमी कीजिए, मेरे चैनल वाले को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरे क्लब के लिए दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट वक्त आने वाला है चैलेंज, चैलेंज और इनके साथ होगा चैलेंज, वीडियो मैं बनाऊँगा, सर का मैं करूँगा, बस इनको चैलेंज मुकम्मल करना है। अल्लाह हाफिज़।